अम्बाला के अनाज मंडी में आजकल गेहूं की आवक जोरों पर है, वहीं जितनी मंडी में आवक है उतना उठान नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर आढ़ती काफी परेशान है, क्योंकि इस समय बरसात का मौसम है, कभी भी बरसात हो सकती है और मंडी में आई फसल ज्यादातर खुले में ही पड़ी है। इसके साथ ही आढ़तियों ने मांग की थी कि गेहूं की पेमेंट किसान की इच्छा अनुसार होनी चाहिए, परंतु सरकार की तरफ से पेमेंट किसान के खाते में ही डायरेक्ट दी जा रही है। वहीं मंडी के आढ़तियों का कहना है कि सरकार की खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है, सिर्फ लिफ्टिंग की ही परेशानी आ रही है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार हमें उतने ट्रक उपलब्ध नहीं करवा पा रहा जितने की हमें चाहिए। वहीं अनाज मंडी के सचिव नीरज भारद्वाज का कहना है कि हमारा लिफ्टिंग का काम बहुत बढ़िया चल रहा है, पहले सर्वर की प्रॉब्लम थी जो ठीक हो गई। लिफ्टिंग समस्या को लेकर उन्होंने कहा कि हमने पार्टियों को निर्देश दे दिए हैं कि वह माल की लिफ्टिंग जल्दी से करवाने की कोशिश करे। रविंदर शर्मा, मेरी अम्बाला कैंट अनाज मंडी में आढ़त की दुकान है और सरकार की खरीद का काम सुचारू रूप से चल रहा है और लिफ्टिंग की थोड़ी समस्या आ रही है। ठेकेदार उतने ट्रक हमें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा जितना माल आ रहा है, लेकिन लगता है एक आध दिन में स्थिति में कुछ सुधार हो जाएगा। अब आढ़ती के द्वारा ही खरीदी जा रही है, कैसे? आढ़ती के माध्यम से ही खरीदी जा रही है और पेमेंट जो है लिफ्टिंग के हिसाब से जो है वो जिम्मेदार के खाते में डाली जा रही है। और किसी तरह से कोई प्रॉब्लम मंडी में आ रही हो, जैसे जिम्मेदार को कोई या कुछ? मंडी में जिम्मेदार को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अम्बाला कैंट मंडी में तो विशेष तौर पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये थोड़ा अभी लिफ्टिंग की दिक्कत है और वो एक आध दिन में लगता है कि ठीक हो जाएगी। अगर बारिश आई ऐसे में तो किस तरह से? नहीं, बारिश आई, हमारे सब आढ़तियों के पास तिरपाले हैं, पाँच पाँच तिरपाले हैं, जितना उन पाँच तिरपालों में ढकने का प्रयास होगा वो हम लोग बिल्कुल करेंगे और माल को भीगने नहीं देंगे, लेकिन माल जो है वो उस हिसाब से ज़्यादा पड़ा है मंडी में, तो बाकी हम लोग कुछ संभाल रहे हैं, कुछ उसको ढकेंगे, कोई ऐसी नुकसान भी हो सकता है? नुकसान होने की कोई स्थिति नहीं है, बाकी माल की आमद जो है वो कम हो गई है, अब धीरे धीरे सीजन जो है वो धीरे रोज अराइवल जो है घट रही है। कितने दिन तक सीजन? बस इस मैक्सिमम सोमवार तक ज़्यादा काम रहेगा, उसके बाद कम होता चला जाएगा। अभी तक कितनी आ चुकी है इसमें? अभी तक जैसा कल मेरी मार्केट कमेटी वालों से बात हुई थी, लगभग पिछले साल के मुकाबले 70% जो है माल मंडी में आ चुका है। जी, मैं नीरज भारद्वाज, सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अम्बाला कैंट। जी, बताएं किस तरह से मंडी का काम चल रहा है? क्या हमारा मंडी का काम बहुत सही चल रहा है, लिफ्टिंग ठीक हो रही है, पिछले दो दिन में सर्वर की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुका है, जिसके कारण लिफ्टिंग प्रभावित हुई थी, पर अब हमारी लिफ्टिंग भी सही हो रही है, मंडी में अराइवल हो चुकी है लगभग 1 लाख क्विंटल की, जिसमें से 91,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और बाकी इस टाइम भी खरीद चल रही है। बारिश सिर पर है और सामान खुले में पड़ा हुआ है, तो किस तरह से इसका बचाव? हमने सब आढ़तियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि अपने पास वो क्रेट का और तरपालों का प्रॉपर अरेंजमेंट रखें और अपने जो उसकी जो भराई है वो सही रूप सही टाइम से करें और अपने माल को जल्दी से जल्दी लिफ्ट करवाने की कोशिश करें। जी, आढ़तियों का कहना है कि लिफ्टिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो किस तरह से हल करेंगे उसका? मैंने निर्देश दे दिए हैं जो हमारा ट्रांसपोर्टर उनको भी कि जो है वो उसकी लिफ्टिंग को थोड़ा सा अच्छा करें अपनी तरफ से और गाड़ियाँ प्रोवाइड कराएं। कितने दिन तक चलेगा अभी सीजन? और पिछले बार 1,13,000 क्विंटल की अराइवल थी, तो इस बार उम्मीद हम लोग ये कर रहे थे कि 1,25,000 तक पहुंच जाए, ज़्यादा भी हो सकता है, और जिसमें से लगभग 1 लाख क्विंटल आ चुकी है, तो अंदाजन 5-6 दिन कह सकते हैं कि 6-7 दिन चले पीक पर। अब जो आढ़ती और सरकार की कंट्रोवर्सी थी उसमें किस तरह से पेमेंट जा रही है? पेमेंट का मोड तो अभी डायरेक्ट ही है कि यही मालूम पड़ा था कि इस बारे में बातचीत चल रही है, तो ये सरकार के स्तर की बात है। जी।
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।